जीने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। ये चिड़िया को ही देख लीजिए, किस तरह धूप में अपने दानों को चुग रही है। तो इस मेहनत को यदि फुल इंटरेस्ट के साथ किया जाए और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया जाए तो जीने का मजा ही कुछ आ जाता है। दिन भर में एक ना एक प्रोडक्टिव काम जरूर करती हूँ, ये मैंने ठान रखा है। तो आज बनाया है रसगुल्ला। इस रसगुल्ले में पहला हक तो मेरा बनता है, क्योंकि मैंने मीठा थोड़ा कम कर दिया है, तो इसके रस को थोड़ा निचोड़ के मैं इसे खाऊंगी। और घर की कुछ पुरानी चीज़ों को मैंने फेंका नहीं, उसको रियूज़ किया है, पर उसका थोड़ा सा मेकओवर कर लिया। ये एक शैम्पू की बॉटल थी जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, इसकी प्लास्टिक भी है बहुत अच्छी है, तो डायरेक्ट इसमें मैं हैंड वॉश रखती तो वो बहुत ही बेकार दिखता। तो थोड़ा सा इसको रिनोवेट कर दिया, इसको एक्रेलिक कलर से स्पंज की हेल्प से इसे मैंने पहले कलरफुल बना लिया। अब मैं जहाँ इसे रखने वाली हूँ उधर अगल बगल टाइल्स का कलर मेरा ब्राउन है, तो सिंपल सा ब्राउन कलर में मैंने व्हाइट कलर को मिक्स किया और स्पंज की हेल्प से फिर से उसके ऊपर से मैंने टैप टैप करके लगा दिया है। जब तक ये सूखेगी, चलिए दूसरे चीज़ को मेकओवर कर लेते हैं। एक छोटी सी केचप की बोतल थी, इसको पहले मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर से स्पंज के हेल्प से व्हाइट कलर कर लिया, ताकि इसके ऊपर जब मैं दूसरा कलर करूं तो उसका सेट बहुत अच्छे से आए। ये ब्लू कलर में व्हाइट कलर को मिक्स करके मैं लाइट स्काई ब्लू कलर बना ले रही हूँ, और इस तरह की कलर जो है गर्मियों में बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, एकदम आँखों को कूल कूल लगता है। बस स्पंज की हेल्प से इसके ऊपर भी मैंने टैप टैप करके पूरे बॉटल को कलर कर दिया। अब दोनों बॉटल मेरी जब तक सूख रही है तब तक चलिए कर लेते हैं अब कुछ दूसरा काम। आपके साथ अब शेयर कर लेती हूँ कि मैंने रसगुल्ला कैसे बनाया था। सबसे पहले मैंने पनीर तो घर पे ही बनाया था, और इसके लिए गाय के दूध का ही यूज़ करें। मैंने आधा लीटर गाय का दूध लिया है। कपड़े में बांध के पनीर को पहले कुछ देर के लिए रख लिया, इसके ऊपर कुछ भारी बर्तन दबा के इसके सारे पानी को मैंने बाहर निकाल लिया। अब सब पनीर को अच्छे से मैं चूर कर ले रही हूँ और अच्छे से मसलना है। बस इसका जो मेन काम है ना, ये मसलना ही है। इसे तब तक मसलना है जब तक इसमें अपने आप चिकनाहट ना आ जाए। मसलते मसलते थोड़ी देर में चिकनाहट आ जाती है, बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ता है। हाँ, लेकिन लगभग 10 मिनट तक इसे मसलना पड़ता है। मेहनत तो थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि घर की बनी चीज़ तो बहुत ही शुद्ध होती है और बिल्कुल कम खर्च में बन जाती है। मेरे घर में अभी मेंबर बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत कम क्वांटिटी में इसे बना रही हूँ। और यही रसगुल्ला बाहर से यदि खरीदा जाए तो एक पीस लगभग 14 से 15 रुपये में मिलती है। रगड़ते रगड़ते अपने ही आप इसमें चिकनाहट आ जाती है। देखिए, सारे पनीर एक दूसरे के साथ जुड़ गए और डो बहुत ही सॉफ्ट हो गया। चाशनी के लिए मैं आपको कप का मेज़रमेंट बता रही हूँ। ये जो चाय वाली कप है, इससे मैंने 1.5 कप पानी लिया है और लगभग 1/2 कप चीनी लिया है। चीनी पानी को गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं गोल गोल रसगुल्ले की गोली बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा बनाना है, बहुत छोटा बना के मैं क्या करूँगी, तो थोड़े बड़े बड़े साइज में ही बना रही हूँ। अब बहुत ईजिली आराम से बन जाता है, इसको बिना प्रेशर डाले आप आराम से घुमाते जाए और ये चिकनी चिकनी गोली बनती चली जाती है। चाशनी बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसकी चाशनी बहुत पतली बनती है। बस सिर्फ ध्यान रखना है कि चीनी पानी में अच्छी तरह से गल जाए, और उबलते हुए पानी में जो मैंने गोली बनाया था एक एक करके सबको डाल दी। बस ध्यान रखना है कि इसको लो फ्लेम में नहीं उबालना है, इसके लिए मीडियम हाई फ्लेम तो जरूर रखिए, ताकि रसगुल्ला जो है उबलते रहे। उबलते उबलते ये फूल जाएगी। उबलने में कम से कम 10 मिनट का टाइम जरूर लेता है और ये अपने आकार से काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसे नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें, फिर सर्व करें। देखिए, हो गई ना आपकी मिनटों में रसगुल्ला तैयार। अब मैं जो उस डब्बे में कलर करके रखी थी वो दोनों डब्बे सूख गए हैं। अब उन सबका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, चलिए ये भी आपको बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल, मैं इसमें हैंड वॉश डाल के रखने वाली हूँ। चूँकि ये डब्बा बहुत मजबूत था और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी, इसलिए इसे मैंने फेंका नहीं, इसका मेकओवर किया। देखिए, हो गई ना पैसे की भी सेविंग और अपने टाइम का भी भरपूर यूज़। इस बॉटल में मैंने जीजी प्लांट के एक डंठल को लगा दिया है।
ये घर में भी सरवाइव कर जाती हैं और पानी में लगा के रखने से ये मरती नहीं है। कभी कभी इसमें रूट भी चले आते हैं जिससे आप इसका दोबारा इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा बॉटल कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरा वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कर रही हूँ छोटे छोटे स्टोन आर्ट, क्योंकि मेरे घर के बाहर जो गार्डन है उसमें छोटी छोटी चीज़ें बना के यदि रखूँगी तो अच्छा लगेगा। और ये स्टोन तो मुझे चलते फिरते इधर उधर से मिल गया था, तो आज सोची इसी को ही पेंटिंग कर देती हूँ। यदि कोई डिज़ाइन नहीं भी बनाना हो तो भी ये वाइट कलर में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, पर लगा चलो इसमें थोड़ा सा कलाकारी किया जाए। तो एक्रेलिक पेंट से ही पहले मैंने सबके ऊपर कलर किया है। इसके सूखने के बाद इसके ऊपर मैं अपने पसंद का कुछ कुछ ड्राइंग बनाती गई। बहुत अच्छी पेंटिंग मुझे नहीं आती है, जो सबसे ईजीएस्ट मुझे लगा मैं उन्हीं सबको करती गई, और इस तरह स्टोन का एक बहुत ही अच्छा यूज़ हो गया। आप कलर देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। एक बनाई मैंने ये लेडी बग की मदर, दूसरे बना रही हूँ मैं उसका बेबी, ये बना रही हूँ मैं वाटरमेलन, ये भी बहुत ही आसान था, सिर्फ कलर करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टेक्सचर देना था। तो बस इस तरह से आपके पास भी यदि कोई स्टोन पड़ा हो तो उससे आप बहुत तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं और अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो ये मेरा बन गया वाटरमेलन, वो बन गया पेंगुइन, एक बन गया स्ट्रॉबेरी, और एक सिंपल सा स्टोन के ऊपर मैंने फ्लावर बनाया है जो पेपर वेट की तरह भी ये काम आ सकता है। आपको ये सब मेरा आर्ट कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह मैं अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी रखती हूँ और मेरा दिन पूरा वेस्ट नहीं जाता, कुछ न कुछ एक प्रोडक्टिव काम होता ही है। और दिमाग कभी खाली नहीं रहे तो समझ सकते हैं इसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं। और ये मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से रेडी टू वेयर साड़ी, जो पहनना बहुत ही आसान है। मैंने इसका शॉर्ट्स अपने वीडियो में डाल रखा है, यदि आपको जानना है कि ये कितने की है, कैसी है और कितनी कंफर्टेबल है या नहीं है, तो आप मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।